अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अमन खालिद। और जैसा कि आपको पता है कि 14th October पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है, तो हम चलेंगे बेरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे पूछेंगे उनकी राय। तो आइए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स कंटिन्यू द शो। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो देखते ही होंगे। वो तो देखता हूँ। अच्छा, तो 14 अक्टूबर को जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है और सभी बहुत शौकीन हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही जीतेगा। जी बिल्कुल, यही सुनना था मुझे और आई थिंक सब पाकिस्तानियों को यही सुनना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। आपका नाम? अलिशबा। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप मैचेस देखती हैं? देखती हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इंडियन टीम में से आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा? विराट। विराट कोहली। क्यों? बस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज उसकी परफॉर्मेंस बहुत इस परफॉर्मेंस। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक अलग लेवल है उनकी। वो तो कप्तान है। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी जैसे क्रिकेट होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, मैच देखते हैं आप? बिल्कुल मैच देखते हैं, हम क्रिकेट लवर हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया में से कौन जीतेगा मैच? डेफिनेटली इंडिया। वो क्यों? बिकॉज द फॉर्म कोहली इज प्लेइंग इन, तो हम उसको बीट नहीं कर सकते और हमारे बॉलर्स उन पिचेस पे बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, एंड आवर ओनली होप इज बाबर आजम जो कि फ्लॉप है, तो डेफिनेटली इंडिया। हैव यू वॉच्ड द प्रीवियस क्रिकेट मैच जो कि 345 रन जो है वो चेज किए हैं पाकिस्तान ने, आपने वो देखा? स्टिल इन माई ओपिनियन दैट वॉज अ ब्लंडर, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ नोवेयर आके 100 स्कोर कर गए हैं, तो हमें इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए परफॉर्मर्स चाहिए, ब्लंडर्स नहीं चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं क्रिकेट मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया में से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टीम में से आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? सारी फेवरेट है लेकिन सबका बाबर आजम ही गोट है सर। लेकिन बाबर आजम अभी प्रीवियस मैचेस में फर्स्ट ओवर में आउट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है उनके अलावा और कौन है जिससे आप पसंद करेंगे? डाउनफॉल तो आता रहता है, वो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं आप अपनी चॉइस चेंज कर लो, तो उसमें कोई मसला नहीं, हमेशा बाबर और बाबर ही रहेगा। आप मुझे बताएं कि इंडियन टीम में से आपका सबसे बेस्ट प्लेयर आपको कौन लगता है? डेफिनेटली विराट को। अगर हम एक्सेप्ट विराट बात करें तो देन इट वुड बी रोहित शर्मा, एज अ कैप्टन ही इज अ ग्रेट कैप्टन, अपनी टीम को बहुत अच्छा लेकर चल रहा है। और अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें फिर? फेवरेट प्लेयर वुड हैव टू बी रिजवान, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वो स्ट्रगल करते हुए भी टीम को उठा लेता है व्हेन द टीम नीड्स हिम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में से कौन जीतेगा मैच? मुझे लगता भी है और मेरी दुआ भी है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान जीते, क्योंकि इंडिया में मैच खेला जा रहा है इसलिए। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अभी प्रीवियस मैचेस में अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस पहले से जो है वो काफ़ी डाउन चल रही है, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी यही राय है कि बाबर आजम सिर्फ दुआओं पर चलता है या फिर लक होती है, वरना उसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में से कौन मैच जीतेगा, आपको क्या लगता है? जीतना तो पाकिस्तान को चाहिए, आगे जो मर्जी जीते, हम तो पाकिस्तान ही कहेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टीम में से आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है और इंडियन टीम में से भी आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट ऐसे स्पेशल तो कोई नहीं है, लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो इधर पाकिस्तान से बाबर आजम और इंडिया से विराट कोहली वगैरह। आप मुझे बताएं कि अभी 14 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? होपफुली पाकिस्तान जीते, हम तो यही कहेंगे ऑब्वियसली। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टीम में से आपका सबसे फेवरेट प्लेयर जो बैट्समैन? शादाब खान। शादाब तो बॉलर है, बैट्समैन? बाबर आजम। आप मुझे बताएं, आप मैच देखते हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में से कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स पाकिस्तान ही जीतेगा भाई, जीतेगा। अच्छा। पाकिस्तानी टीम में से आपका फेवरेट प्लेयर? मुझे राइट नाउ तो मोहम्मद रिजवान बहुत पसंद है। और इंडियन टीम में से? हार्दिक पांड्या। अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में आपको कौन पसंद है, पाकिस्तान एंड इंडियन बोथ? यार जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग अभी चल रही है तो राइट नाउ आई फेवर इंडियाज बॉलिंग अटैक, लेकिन बैटिंग में पाकिस्तान चल रहा है तो बैटिंग में पाकिस्तान ऑलमोस्ट अदल बदल हो गई है। मुझे बताएं आप लोगों को क्या लगता है 14 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में से कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। ठीक है, आप? मैं भी यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, उसकी कोई खास वजह या फिर बस ऐसे? क्योंकि हम उसके सपोर्टर्स हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टीम में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है?
मोहम्मद रिजवान है वो इस वजह से कि उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और जब भी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल सिचुएशन होती है तो वो उसे हैंडल कर लेते हैं इजीली। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में से आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? अगर हम पेपर की बात करें ऑन पेपर इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जैसे दो मैचेस में विक्ट्री हासिल की है और उनका जो मोराल है वो काफ़ी हाई है, तो मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस की वजह से पाकिस्तान को हम ज़्यादा रेट कर सकते हैं और दिल से भी ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते और होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? वेल लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स जस्ट रूट फॉर पाकिस्तान because this team is like really better than the other team, so I have a lot of hope in Pakistan, so let's just hope ke Pakistan jeete. Acha, what do you think about Babar Azam's performance? Ke previous matches mein aapko pata hai ki wo first over mein out ho jate hain, so what do you think about that? Well, we shouldn't judge him by, you know, we shouldn't judge the book by the cover. It's not like he was just a batsman hai, he's also the captain of the team, so we just should not say ke he's not performing well, he's not this, he's not that, because he has a lot of other jobs than being a batsman. Baki the team is performing well, so I think so team ki performance is the captain's performance. So acha, agar pakistani bowling ki baat ki jaye to aapko aapka kya khayal hai us baare mein ki pakistani bowling kaisi hai? Yeah, pakistani bowling attack is like the best, but I am really missing Naseem Shah, so I'm just hoping ki he gets well very very soon. Naseem Shah or Shaheen Shah Afridi? Well, that's a tough question, but if you know, as Naseem Shah's age, he's very young and he's very talented, so I would say Naseem Shah. जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि बहरिया यूनिवर्सिटी E8 कैंपस में हमने स्टूडेंट्स की राय पूछी अबाउट द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।